स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर और आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रियांश की। आज हम प्रियांश को जानने से पहले उसको समझते हैं कि वास्तव में होते क्या। तो चलिए देखें, हम बात करते हैं मेमल्स की। अब मेमल्स क्या है भाई? ऐसे एनिमल जिसके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और बच्चों को मिल्क फीड कराने के लिए जिसमें मेमेनी ग्लैंड पाई जाती है, ऐसे एनिमल मेमल्स कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, बैल, बकरी, भेड़, कैमल, ये सारे के सारे स्तनधारी एनिमल होते हैं। इन स्तनधारी एनिमल में जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र में नर्व सेल्स पाई जाती है और इन नर्व सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात नर्व सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी बाहरी सतह पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है PRPC। ध्यान रखिएगा कि इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, PRPC प्रोटीन कहा जाता है। यह एक नॉर्मल प्रोटीन है, सामान्य प्रोटीन है और इस प्रोटीन का कार्य क्या होता है, यह माना जाता है कि इस प्रोटीन का कार्य होता है युग्मानुबंध या सिनाप्सिस की क्रिया को प्रेरित करना। अब सिनाप्सिस की क्रिया को प्रेरित करने से तात्पर्य क्या है भाई? ये जो एक न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन का ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, जो एक न्यूरॉन होता है तो एक न्यूरॉन का टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के साथ एक संबंध स्थापित करता है और इस संबंध को क्या कहा जाता है, सिनॉप्सिस कहा जाता है। और ये सिनॉप्सिस या युग्मानुबंध कहा जाता है। तो भाई PRPC क्या काम कर रही है, एक नॉर्मल प्रोटीन है और युग्मानुबंध की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य करती है। अब चूंकि ये प्रोटीन है इस कारण से किससे मिलकर बनी है, एमिनो एसिड से मिलकर बनी है और ये लगभग 250 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है और यह माना जाता है कि इसका जो साइज है वो सूक्ष्म वायरस से भी 1/100 गुना छोटा होता है, जबकि इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो 30 से लेकर 35 KDa होता है। ठीक है, 30 से 35 किलो डाल्टन के करीब करीब होता है। जनरली इस नॉर्मल प्रोटीन का जो आकार है, साइज, ये अगर मान की बात करें, आकार की बात करें, तो ये अल्फा हेलिकल फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है, अल्फा हेलिकल फॉर्म में होती है। यहां पर आप इसकी जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कौन से फॉर्म में है, अल्फा हेलिकल फॉर्म में होती है। लेकिन जब कभी म्यूटेशन के थ्रू अचानक इस प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो गया भाई, इस नॉर्मल प्रोटीन में म्यूटेशन के थ्रू अचानक परिवर्तन हो जाता है तो इसकी संरचना बदल जाती है। ये जो हेलिकल फॉर्म वाली जो स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल फॉर्म वाली स्ट्रक्चर जो है वो प्लीटेड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, चद्दरों के जमने के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, एक जो नॉर्मल प्रोटीन है वो किसमें परिवर्तित हो गई, फोल्डेड प्रोटीन में परिवर्तित हो गई और इस फोल्डेड प्रोटीन को नाम दिया गया PRPSC। ठीक है, इस फोल्डेड प्रोटीन को क्या नाम दिया गया, PRPSC नाम दिया गया। और यही फोल्डेड प्रोटीन क्या काम करती है, देखिए यहां पर इसकी स्ट्रक्चर को पहले देख लें। फोल्डेड प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी हो गई भाई, बीटा सीटेट फॉर्म में हो गई। पहले कैसी थी, हेलिकल फॉर्म में थी और फिर बाद में कैसी हो गई, बीटा सीटेट फॉर्म में परिवर्तित हो गई। ठीक है, वल्लयित हो गई, मिसफोल्डेड हो गई। अब मिसफोल्डेड होने के कारण ये क्या काम करती है, ये जो प्रोटीन है वो हम तंत्रिका ऊतकों को डिजेनरेट करने का कार्य करती है, उनको नष्ट करने का कार्य करती है, जिससे उस संबंधित जीव की कैसी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए कि जनरली क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में, मेमल्स के शरीर में किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो प्रोटीएज एंजाइम होता है और वो प्रोटीएज एंजाइम इस प्रोटीन को तोड़कर उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये जो PRPSC जो प्रोटीन है इस पर प्रोटीएज एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां तक कि इस पर अल्ट्रावायलेट रेस, न्यूक्लियस एंजाइम, फॉर्मेल्डिहाइड
और टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने देखा कि तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाने वाली जो नॉर्मल प्रोटीन है वो नॉर्मल प्रोटीन कैसी हो गई है, मिसफोल्डेड प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो गई है, और इसी मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल को प्रियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, दो बातें हमको यहां पर समझ में आ गई। सबसे पहली चीज कि प्रियॉन्स प्रोटीन क्या है, इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल है। भैया जीवित संरचना तो है नहीं, पार्टिकल है। ठीक है, इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल क्या है, वो प्रियॉन्स है, जो मेमल्स में न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज को उत्पन्न करती है। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक है, संक्रामक है, रोग फैलाने का कार्य करता है, मिसफोल्डेड उसकी संरचना में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, और चूंकि ये प्रोटीन पार्टिकल है, अब क्या काम कर रहा है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज को उत्पन्न करने का कार्य करता है, अर्थात नर्व जो सिस्टम है उसमें पाए जाने वाली जो न्यूरॉन सेल्स है, नर्व टिश्यू है, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। तो अपने को ये समझ में आ गया कि प्रियॉन्स क्या है, कि प्रियॉन्स एक इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल है जो मैमल्स में न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज को उत्पन्न करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़े, अगर प्रियॉन्स शब्द जो है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, प्रियॉन शब्द की जो उत्पत्ति कहां से हुई है, वह प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल के द्वारा हुई है। चलिए अगर हम इसकी खोज की बात करें तो प्रियॉन्स की खोज का जो श्रेय है वो प्रोसिनर को जाता है। प्रोसिनर ने अल्जाइमर तथा स्क्रबी रोग प्रियॉन्स की भूमिका के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, प्रोसिनर ने क्या काम किया कि अल्जाइमर तथा स्क्रबी रोग में प्रियॉन्स की भूमिका पर खोज की थी, इस कारण से इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, तो यहां पर हमको पता हो गया कि ये प्रोसिनर के द्वारा खोजा गया था। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे दी, ये कैसा है, बीटा प्लीटेड फॉर्म में है। ठीक है, यहां फोल्डेड फॉर्म में है, और प्रियॉन्स भाई प्रियॉन्स किससे मिलकर बना हुआ, प्रोटीन से बना हुआ। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, ये एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन है जो लगभग 250 एमिनो एसिड से मिलकर बना है। अब चलिए अब देखते हैं ये रेप्लिकेट कैसे करता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है। देखिए अधिकांश जितने भी संक्रामक कारक होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है, या फंजी हो, या अन्य जो भी संक्रामक कारक है, वो जनरली क्या होता है, उनका अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और इस जेनेटिक मटेरियल के साथ वो रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रियॉन्स में तो जेनेटिक मटेरियल होता नहीं है, फिर ये सवाल उत्तर होंगे कैसे रहे? ठीक है, तो देखिए जनरली एक नॉर्मल क्या है, प्रोटीन है, जो नर्व सेल्स में पाए जाने वाली नॉर्मल प्रोटीन है। अनफॉर्चुनेटली जब ये म्यूटेशन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गई, PrPSP में कन्वर्ट हो गई, प्रियॉन प्रोटीन में कन्वर्ट, प्रियॉन्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जब कभी, अब यहां पर देखिए ये जो नॉर्मल प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन है, जब कभी किसके संपर्क में आती है, PrPSP के संपर्क में आती है, तो दोनों ये आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ जाने के बाद हुआ क्या, जो PrPSC है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, PrPSC में कन्वर्ट हो गया। यहां पर सी का तात्पर्य क्या है, सेलुलर, सेल में पाई जाने, सामान्य सेल में पाई जाने वाली, और SC का मतलब क्या है, स्कैल्पी, जो भेड़ में या कहना चाहिए बकरी में जो है स्कैल्पी डिसीज को उत्पन्न करता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही PrPSC किसके संपर्क में आया, PrPSC के संपर्क में, सामान्य तो नहीं प्रोटीन के संपर्क में आया, तो उसने क्या काम किया, इसको भी अपने जैसा बना दिया, और लगातार ये क्या काम करती है, अपने संख्या में इसी प्रकार से बढ़ोतरी करती है, सामान्य प्रोटीन के साथ जुड़ जाती है और उसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और ये अपना एग्रीगेट करती है, एग्रीगेशन करती है, एक्यूमुलेशन करती है, बहुत सारे जो इस प्रकार की प्रोटीन है वो आपस में जुड़ती है, और जुड़कर जो है वो इन्फेक्शन पास करती है, संक्रमण फैलाने का कार्य करती है, और तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है।
हम देखते हैं कि प्रियोन्स किस प्रकार से डिजीज फैलाते हैं। प्रियोन्स के बारे में अब तक हमारे पास क्या जानकारी हो गई, प्रियोन्स के बारे में जानकारी हो गई कि यह इंफेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन पार्टिकल जो कि मैमल्स में न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज को उत्पन्न करता है। मैमल्स में जैसे मैन, सीप, काउ, गोट आदि में विभिन्न प्रकार के डिजीज को उत्पन्न करता है। अब ये कौन-कौन सी डिजीज उत्पन्न करता है इस पर हम बात कर ले, तो यहाँ मनुष्य में क्रुट्ज़फेल्ड-जैकोब डिजीज, ध्यान रखिएगा क्रुट्ज़फेल्ड-जैकोब डिजीज को उत्पन्न करता है। इसके और भी दूसरे रूप हो सकते हैं, जैसे इसको इस डिजीज को CJD डिजीज भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके ICJD, VCJD, FCJD, SCJD को उत्पन्न करता है। इसके अलावा जहां गुरु रोग को उत्पन्न करता है, हेमेलियर स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलो पैथी को उत्पन्न करता है, वेरिएबल इन प्रोटीएज सेंसिटिव प्रियोन पैथी जैसे रोगों को मनुष्य में उत्पन्न करता है। इवन ये फेटल इंसोमिनिया FI को भी उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से रोगों की बात करी भी हमने, यहाँ पर क्रुट्ज़फेल्ड-जैकोब डिजीज, गुरु डिजीज, हेमेलियर स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज या VPSTR डिजीज और फेटल इंसोमनिया डिजीज जो है ये मनुष्य में उत्पन्न करता है। वहीं पर जो भेड़ बकरियों में जो है ये स्क्रेपी डिजीज को उत्पन्न करता है, वहीं पर काऊ में जो है मैड काऊ डिजीज को उत्पन्न करता है। जो गाय है गाय में इसको विकसित करता है, मैड काऊ डिजीज को उत्पन्न करता है। वहीं पर ऊंट में जो है कैमल में जो है कैमल स्पॉन्जी और इंसेफेलोपैथी या जिसे CST डिजीज भी कहते हैं को उत्पन्न करता है। वहीं बिल्ली में अगर बात करें तो ये बिल्ली में फैलाइल स्पॉन्जी और इंसेफेलोपैथी या FSC रोग को उत्पन्न करता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जीव से दूसरे जीव में कैसे फैलता है। तो देखिए ऐसा कोई भी जीव जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, ऐसा कोई भी जीव जो इन्फेक्टेड है, मैमल्स की ही बात कर रहे हैं, तो चाहे वो सीप हो, गॉट हो, काऊ हो, कैमल्स हो, कैट हो, अगर ये इन्फेक्टेड है और उसका इन्फेक्टेड फ्लैश किसी के द्वारा खाया जाता है तो उसमें इस रोग इसके फैलने की संभावना होती है। दूसरा, यदि किसी को, किसी मनुष्य को ये रोग है तो हो सकता है जेनेटिकली उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, उसकी जो संतान है, उसमें ये ट्रांसफर हो सकते हैं। तीसरी चीज, अगर ये एक और चीज देखें, ये ब्लड इंफेक्टेड सीरीज के माध्यम से भी फैल सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से भी फैल सकती है। इवन जैसे एड्स का फैलाव होता है, ठीक उसी तरह से जो है उसका भी फैलाव हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने केवल कुछ चीजों की बात की, यहाँ पर थोड़ा सा एक डिसीज के बारे में बात करूंगा कि ये कैसे फैला था। कुरु डिसीज, कुरु डिसीज जो है वो न्यू गुयाना में क्या होता था कि लोग जब कोई मर जाता था तो उसका जो ब्रेन वाला जो पार्टिकल है उसको एज अ खा लेते थे, ठीक है, ब्रेन वाला जो पार्टिकल है उसको क्या करते थे, वो खा लेते थे। और चूंकि ब्रेन वाले पार्टिकल में यदि प्रियोन प्रोटीन है तो वो जिन व्यक्तियों के द्वारा इसको खाया गया है उन पे भी ये फैल गई, तो वहां पर ये इस प्रकार से ये फैली हुई थी। चलिए देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली क्या होते हैं कि जितने भी डिसीज ये होते हैं तो ये जो प्रियोन प्रोटीन क्या काम करती है, नॉर्मल जो टिश्यू होता है उसकी संरचना में परिवर्तन ला देती है, ठीक है। क्या करती है ये कि नॉर्मल जो टिश्यू है उसकी संरचना में क्या करती है, परिवर्तन ला देती है और वहां पर होल उत्पन्न कर देती है, छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न कर देती है, जिससे कि उस टिश्यू की संरचना कैसी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, ठीक है, स्पंज के आकार की हो जाती है। तो यहां पर टिश्यू कैसे हो गए, स्पंज के आकार की हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कहना चाहिए कैरेक्टर इसमें प्रकट होते हैं। अब यहां पर एक चीज और थोड़ा सा देखिए कि इस प्रियोन्स डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 20 वर्ष तक होता है। हो सकता है ये बहुत लंबे समय बाद दिखाई देता है, 5 वर्ष में दिखाई दे दे, 10 वर्ष में दिखाई दे दे, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष भी लग सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है,
जब कोई प्रियॉन्स के द्वारा ग्रसित हो जाता है, प्रियॉन्स के से संबंधित रूप से ग्रसित हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कन्वल्सन्स, डिमेंशिया, एटाक्सिया एंड बिहेवियरल या पर्सनालिटी चेंजेस दिखाई देते हैं। अब यहां पर एक एक चीजों को समझे, तो सबसे पहला है कन्वल्सन्स। अगर कन्वल्सन्स की बात करें तो शरीर में अचानक पड़ने वाला तेज झटका, अचानक जो शरीर है शरीर में तेज झटके पड़ने लग जाते हैं, जिससे वो किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, डिमेंशिया, डिमेंशिया शरीर में सोचने समझने की तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति का ह्रास हो जाना। वहीं पर अगर एटैक्सिया की बात करें, एटैक्सिया की बात करें तो हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का शरीर के विभिन्न अंगों के साथ जो नियंत्रण है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, या धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है, याददाश्त चली जाती है, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आप देखें तो यहां पर हमने एक और डिसीज की बात की थी, FIP, फेटल इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं लगती है। ये ऐसे कुछ लक्षण जो है वो इसमें दिखाई देते हैं। देखिए, अब इस डिसीज के बारे में कहा जाता है कि ये अनट्रीटेबल डिसीज है, इसका इलाज नहीं है और बहुत ही घातक है। अगर जनरली इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो बहुत लंबा होता है, लेकिन जब कभी इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो ये रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत तेजी के साथ ये लक्षण जो है बढ़ते हैं और कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपने प्रियांश को समझ लिया होगा, और अगर आपने प्रियांश को समझ लिया है तो जरूर इसका नोट्स बनाए और अपने जो कमेंट्स हैं वो मुझे जरूर भेजें कि क्या आपको प्रियांश समझ में आया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।